एक बड़ी खबर आपको बता दें, बुलडोजर एक्शन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर मिल रही है। लगातार अलग अलग इलाकों में जहां जहां अवैध निर्माण किए गए हैं वहां वहां पर बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है और ताबड़तोड़ अंदाज में अवैध कब्जों और अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है। कानपुर से जयपुर तक बुलडोजर की गरज ने खलबली मचा दी है और ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सख्त फैसला लिया, बावजूद इसके बुलडोजर क्यों चलाए जा रहे हैं, क्यों बुलडोजर के जरिए झुग्गी झोपड़ियों को तहस नहस किया जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे और सड़कों पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन देश के दो सूबों में कुछ इस अंदाज में नजर आया। पहली तस्वीर कानपुर की, जहां केडीए की तरफ से बुलडोजर के जरिए बड़ी कार्रवाई की गई। सड़कों पर मौजूद अस्थायी झुग्गियों और कब्जों को बुलडोजर के जरिए ढहाया गया। इस कार्रवाई के दौरान केडी के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। उन्हीं की निगरानी में कानपुर के केसा चौराहे पर गंभीरपुर चौराहे तक लगभग 2 किलोमीटर तक रोड के दोनों तरफ अवैध निर्माण को गिराया गया। वहीं कैमरे चौराहे से काशीराम चौराहे तक 45 मीटर रोड के दोनों तरफ अवैध रूप से बनाई गई झुग्गियों को ध्वस्त किया गया। एक तरफ कानपुर में बुलडोजर गर्जा तो यूपी के सोनभद्र जिले के चौपन थाना क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर वन विभाग की कार्रवाई। वन विभाग ने सरकारी जमीन पर बनाई गई झोपड़ियों और कच्चे मकानों को बुलडोजर से तहस नहस किया। तो वहीं गुरमा वन रेंज की सैकड़ों बीघा जमीन पर बोई गई फसलों को ट्रैक्टर से नष्ट किया। वन विभाग की टीम भारी पुलिस बल के साथ चौपन थाना क्षेत्र के गुरमा वन रेंज इलाके में पहुंची और करीब 50 से ज्यादा कच्चे मकानों को धराशायी किया। इसके अलावा जयपुर में भी जेडीए ने कई अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया तो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाई गई सड़क को उखाड़ा गया। आपको बता दें कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर बड़ा फैसला सुनाया था, वो ये कि बिना कानूनी प्रक्रिया के आरोपी या दोषी के घर पर बुलडोजर नहीं चल सकता। कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया बताई कि अगर कोई आरोपी है तो उसकी सजा पूरे परिवार को नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन कानपुर, सोनभद्र और जयपुर में बुलडोजर एक्शन की जो तस्वीरें सामने आई वो शुद्ध रूप से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की हैं, जिसका किसी अपराधी से कोई संबंध नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।